नॉलेज में। सो सुन लिया, सो स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों रसलमेनिया 38 के बाद दोस्तों रसलमेनिया बैकलैश में दोस्तों हमको मैच देखने मिलने वाला है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस फॉर द दोस्तों यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच होते हैं दोस्तों 100% थे, क्योंकि दोस्तों रूमर्स और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों यही कहना है कि दोस्तों रसलमेनिया बैकलैश में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर एंड रोमन रेंस का मैच फिक्स है। तो दोस्तों WWE कैसे इनका मैच बिल्डअप करते हैं इस वीडियो में क्लियर करने वाले। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर डालते हैं। दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, हम जल्दी जल्दी दोस्तों 4K सब्सक्राइब कंप्लीट करने वाले, तो जाके 4K सब्सक्राइब कंप्लीट कर डालो, अपने भाई के 4K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर डालते हैं। तो दोस्तों रसल मैंने के बाद दोस्तों काफी अपो उठ रही है कि दोस्तों रोमन रेंस वर्सेस कोडी होने वाला है, पर दोस्तों ये बात पूरी तरह से दोस्तों फेक है, क्योंकि दोस्तों कोडी रोड्स के मैच दोस्तों रसल मैंने बैकलैश में दोस्तों हमारे सेथ फ्रिक्विन रॉलिंस के साथ है, ये बात तो पूरी तरह से फिक्स है। पर दोस्तों रोमन रेंस का अपोनेंट कौन है, ये बात आपने माइंड में घुसा लो कि दोस्तों रोमन रेंस का मैच दोस्तों 100% ड्रू मैकइंटायर के साथ है। और दोस्तों इस मैच में मुझे लगता है दोस्तों 100% आपको मुझको सबको मालूम है दोस्तों हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ जीतने वाले। और दोस्तों ये मैच हमको विनर टेक ऑल मैच देखने मिल सकता है, और दोस्तों फॉल्स काउंट एनीवेयर भी देखने मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ऐसी मांग कर सकते हैं दोस्तों विंस मैकमैन के पास। और दोस्तों इस मैच में हमको ब्रॉक लेसनर की ताड़ाकेदार मसालेदार दोस्तों एंट्री देखने मिल सकती है, और दोस्तों और कई सारे सेगमेंट्स हमको देखने मिलने वाले हैं दोस्तों रसलमेनिया बैकलैश में। बाकी दोस्तों आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों इस मेरी प्रेडिक्शन के बारे में आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों आपके मुताबिक दोस्तों रसलमेनिया बैकलैश में दोस्तों रोमन रेंस का अपोनेंट कौन है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। आपके दोस्तों होता अलविदा, मिलते हैं कल विदा।